हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के कुछ आसान ट्रिक जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम भूमिका निभाएगी और आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगी। तो इसमें हमें ये देखना है कि 100 के बेस के अराउंड है ना, बेस अगर 100 ले रहे हैं तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं, उस बात को हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा गया 108 इंटू 103, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 105 इंटू 109 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 97 इंटू 92 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 94 इंटू 106 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो बहुत आसान तरीके से आप वैदिक मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं ना। अभी हम इसका मल्टीप्लाई और देख लेंगे। पहले हम कुछ भी रेंडम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं यहाँ पे। आपने जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 107 इंटू में 102, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको बेस अगर आपने 100 मान रखा है तो क्या करोगे, ये 100 से कितना ज्यादा है तो आपको 7 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है आपको 2 ज्यादा है। अब आप क्या करना है, सिंपल सा, या तो फिर आप इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो इसमें इसको ऐड कर दो विद साइन, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले मैं इसी को इसमें ऐड कर देता, तो कितना आया 107 प्लस 2 है तो आएगा 109। कितना आ गया, 109 आ गया। बेस हमने 100 माना तो इसके आगे आप 00 चिपका दोगे, यहाँ पे 00 आ गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे विद साइन, कितना है 7 × 14, और साइन जो है वो आप लिख दोगे और ऐड कर दोगे, प्लस है तो जुड़ेगा, कितना आएगा ये 109 14, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। आप तुरंत इमीडिएट आप अपना फोन उठाए और इसको मल्टीप्लाई करें और चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले, यही आंसर आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। जैसे हमने कहा एक और एग्जाम्पल ले लिया, 103 × 108 ले लिया, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कहा ये कितना ज्यादा है 100 से, 3 ज्यादा, ये कितना ज्यादा 8 ज्यादा, आपको इसमें ऐड कर दिया, 8 3 कितना हो गया 11, तो 111, ठीक है। आपको 00 यहाँ लगा देना क्योंकि 100 बेस माना है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 तो 24, आपने यहाँ लिख दिया 24 और ये कर दिया प्लस, कितना आएगा ये 111 24, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हो आप कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं चीजों को, कैसे आसान तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते। एक और एग्जांपल हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहले हम बड़ी वाली वैल्यूज का ज्यादा देख रहे हैं। सपोज दैट आपने कहा कि भैया ऐसा करते हैं 112 इंटू में 105 कर देते हैं तो क्या आएगा। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है आपका, तो आपने यहाँ पे 12 लिख दिया, कितना लिख दिया 12 लिख दिया, ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है लिख दिया। आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें इसको ऐड कर दिया, कितना आ गया 117 आ गया, 117 के 00 आपने लगा दिया, 100 बेस माना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 × 5 = 60, 60 यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आ गया ये 11 × 7 = 60, तो आपका यही आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा तो बिलो 100 की, तो बिलो 100 में क्या होगा वो जरा हम देख ले रहे हैं। तो आपने एक एग्जांपल लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे 92 × यहाँ पे लिख दिया 96 लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है। अगर देखो 100 से ज्यादा है कि कम है तो आपको कम है कितना 8, ये भी कम है कितना 4, आपकी मर्जी, आप इसमें इसको ऐड करो, आपकी मर्जी आप इसमें इसको ऐड करो, ठीक है। फिर साइन आप ऐड करोगे तो आपने कहा 92 में -4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, आपने 88 लिख लिया यहाँ पे, 00 चिपका दिया क्योंकि बेस कितना है 100 है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 8 × 32 हो गया, 8 × 32 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का हो गया तो आप हो गया +32 कर दो यहाँ पे, आपका आंसर आ गया 88 32। एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे आपने कहा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 91 × 97 का, तो क्या आएगा आंसर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे भैया ये कितना कम है, तो आपको 9 कम है, ये कितना कम है तो आपको 3 कम है, तो माइनस का आया, तो आपको इसके साथ इसको ऐड कर देना है विद साइन है ना, या जो आपकी मर्जी। तो आपने 91 और ये माइनस का 3, कितना आएगा आपको, ये फिर से बन जाएगा 88, तो हमने लिख दिया 88, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, अब इसके आगे 00 चिपका दोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 27 प्लस का आ गया, प्लस का 27 कर दो, आपका आंसर कितना आ गया 88 27 आ गया। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं फटाफट, कि आप मल्टीप्लाई कर डालो 95 × 97 का ये कम है कितना 5 है ना, कितना कम है 5 कम है, आपने यहाँ पे लिख लिया 5 माइनस का, ये कम है कितना 3 लिख लिया, इसको इसमें ऐड कर दिया विद साइन, कितना आ गया 92 आ गया, 00 लगा दिया 100 बेस है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया कितना है 15 आया और ये प्लस का आ गया, तो आपका आंसर आ चुका है 92 15। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपने 100 के अबव वाली वैल्यूज का देख लिया, 100 के बिलो वाली वैल्यू देख लिया, एक अबव हो एक बिलो हो तो क्या होगा, तो देख लेते हैं आसान तरीके से हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे आपने कहा कल को हमारे पास वैल्यू हो 106 × 97, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने कहा भैया ये ज्यादा है कि कम है 100 से, तो आपने तुरंत कहा ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आपने लिख लिया भैया 6 ज्यादा, ज्यादा है प्लस का साइन लिख दिया, 3 कम है माइनस का साइन लिख दिया। अब आप इसको अपोजिट में ऐसे जोड़ दिया, विद साइन जोड़ा तो कितना 103 आ गया, 103 लिख दिया, आपने 00 चिपका दिया क्योंकि 100 बेस है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 3 = 18 आ गया, लेकिन इस बार 18 प्लस का नहीं आया, कैसा आया माइनस का आया, क्योंकि 6 × 3 और प्लस ×
माइनस माइनस का आया 18, अब माइनस आया तो भैया घटेगा जुड़ेगा तो है नहीं, तो घटा दो, ये 10 से 8 गया कितना बचा 2, 9 से 1 गया कितना बचा 8, यहां पे कितना हो गया 2, तो आएगा 182, आपका ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल हम यहां पे देख ले रहे हैं तुरंत इमीडिएट, जैसे आपने कहा कल को हम कर देते हैं यहां पे 91 × 106, अगर आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो आपने तुरंत ये लिखा कितना कम है 9 कम है, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, आप क्या करोगे सिंपल सा इसका अपोजिट वाला ऐड कर दिया, कितना आ गया ये आ गया 97 आ गया, 00 चिपका दिया क्योंकि बेस 100 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 4 = 54 आ गया, माइनस का 54 आया, आपने माइनस 54 लिख दिया, 4 घटाया 10 से कितना बचा 6, 9 से 5 घटाया कितना बचा 4, यहां बचा 6, तो है 96 और 46, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने नोटिस किया कि कितनी आसान तरीके से आप वैदिक मैथ्स का अप्लाई करके, वैदिक मैथ्स का एप्लीकेशन करके, उस मेथड को अप्लाई करके आप आसान तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। तो जरा देखते हैं जो स्क्रीन पे हमने सवाल लिखे थे कुछ, उन सवालों का क्या आंसर आएगा वो फटाफट हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा इसका अगर हमें आंसर निकालना है तो आपने तुरंत लिखा यहाँ पे 8 ज्यादा है, ये कितना कम है, ये भी 8 3 ज्यादा है, आप इसको इसमें जोड़ दो चाहे इसको इसमें जोड़ दो, आपकी मर्जी है आप किसमें किसको ऐड करते हैं, तो हमने कहा यही कर देते हैं, 8 3 11 तो होगा 111, आपने कहा अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 2 24, क्योंकि ये 0 0 आया होगा और 24 ऐड होगा तो आपका मान कितना बन जाएगा 11 111 24, तो 111 24 हो जाएगा। अब आप शॉर्टकट लिखने लगेंगे क्योंकि आपको तुरंत दिखेगा जुड़ेगा तो मल्टी कर दो, घटेगा तो माइनस कर दो, तो आपने कहा आप देखते हैं यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, तो आपने कहा भैया ये ज्यादा है 5 और ये ज्यादा है कितना 9, तो सबसे पहले आपने कहा इसको मल्टी जोड़ देते हैं तो 9 5 कितना हो गया 14, तो 114 आपका आंसर आ गया, और 4 × 9 = 45 आ गया, 0 0 रहा होगा उसमें 45 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये 45 डायरेक्टली बन जाएगा, कितना बन जाएगा 114 45 बन जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कम है 3 और यहाँ पे कम है कितना 8, अब आप इसको यहाँ पे ऐड कर दो कितना आएगा, ये आएगा 89, कितना आएगा 89 और ये आएगा 00। ठीक है, अब आपने कहा ये 824, ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपने कहा डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज कर दो तो आपका माना जाएगा 89 24, आपका ये आंसर हो गया। क्लियर, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये माइनस का 6 कम है ना, ये 6 कम है माइनस, तो माइनस का 6 आएगा, ये ज्यादा है 6 तो आपका प्लस का 6 आएगा। अब जरा देखते हैं इसको इसमें ऐड करो कितना आएगा 100, चाहे उसको इसमें ऐड कर दो 100 आएगा, तो ये 100 आ गया, 100 का 00 और आपने चिपका दिया, 6 × 6 = 36 हो गया, लेकिन इस बार ये माइनस का इसलिए घटाओगे क्योंकि मर्ज तो नहीं होगा, अब घटाओगे तो कितना आएगा ये 36 माइनस कर दो, तो आपने 10 से 6 गया कितना बचा 4, 9 से 3 गया कितना बचा 6, यहां पे कितना बचेगा 99, तो आपका आंसर आएगा 99 64। आई होप कि आपको ये जो मेथड बताएगा वो अच्छा लगा होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा और आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, हर जगह पे आप अप्लाई कर पाएंगे, जब भी कभी आपको अराउंड 200 वैल्यू दिखे, 2 अराउंड 200 वैल्यू दिखे, तो आप इस मेथड का एप्लीकेशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।